नमस्कार, मैं हूं उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सभी खुशियां दे जिसके लिए आप अथक प्रयास और मेहनत करते हैं। आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे, आपको हर परेशानी से दूर रखे परमात्मा, यही मैं आशीर्वाद सुबह सुबह आपको देती हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, छोटी सी जानकारी दे रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। ये जो उपाय है ना, इतना आसान है और आपको किसी ने बताया नहीं होगा। हो सकता है कहीं किसी ने बताया हो, पर मुझे लगता नहीं है। और खैर, बताया हो तो भी ठीक है, आपका भला होना चाहिए, यहाँ ये कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम आपको जो आज बताने जा रहे हैं वो बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा। और इसको स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, जिनको नौकरी की कामना है, संतान की कामना है, अच्छी जगह विवाह तय हो जाए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है इससे। बस यही करना चालू कर दो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी नहीं किया तो इसको करने से भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रेगुलरिटी रखनी ज़रूरी है और कुछ हैबिट्स भी आपको छोड़नी पड़ेगी, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए, एक पूरी ज़िंदगी बदल सकती है आपकी एक छोटी सी सलाह से। आपको नहीं पता हो तो आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे लोग आपके अनुरूप नहीं है, घर में क्या चीज़ है जो आपकी परेशानी का कारण है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से पता चलती है। जिनकी कुंडली नहीं है वो फेस रीडिंग करवाएँ, पाम प्रिंट भेजें, मकान का दोष दूर करवाने के लिए मकान का नक्शा भेजें, तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर चाहते हैं खुशहाल ज़िंदगी तो बिना देरी के परामर्श लीजिए। मैं 23-24 वर्ष से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और बाकायदा ज्योतिष विद्या का प्रशिक्षण लिया है, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष विद्या के जानकार नहीं हैं, बस ज्योतिष की बात करते हैं, तो आपको उनसे बचना चाहिए। मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देती हूँ और ये सबसे सेफ तरीका है। और अभी कोरोना का इतना खतरा है कि डायरेक्टली किसी से भी मिलना आपके लिए भी ठीक नहीं है, तो ऑनलाइन परामर्श इज़ अ सेफ परामर्श। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप जो भी उपाय करते हैं वो गोपनीय होने चाहिए। यहाँ जो आप बात आप पूछते हैं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है, किसी को भी ये पता नहीं चलता कि आपकी क्या तो प्रॉब्लम थी और क्या आपने किया, और तभी आपको पूर्ण सफलता भी मिलती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको करना क्या है। आपको लेनी है हल्दी। हल्दी पाउडर जो है मार्केट वाला नहीं होना चाहिए, प्योर हल्दी घर की कुटी हुई, फिर उसको कपड़ छान कर लीजिए या चलनी से छान लीजिए, घर की ही निर्मित हल्दी होनी चाहिए, प्योरिटी की गारंटी उसी की होती है। मार्केट में थोड़ी बहुत भी मिलावट हो गई और वो वाली हल्दी आपने काम में ले ली तो फिर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। घर में निश्चिंता रहती है कि आप जो हल्दी पीसेंगे वो प्योर है। उस हल्दी को आपको सूखा ही पूरे शरीर पर मसलना है गुरुवार के दिन। जिनको नौकरी संतान इस तरह की दिक्कत है, लेकिन वृषभ और तुला लग्न वालों को ये नहीं करना है, वृषभ और तुला लग्न वाले ये ना करें। इसके लिए मैं दूसरा उपाय आपको बता रही हूँ, आपको लेना है चंदन का चूरा। वृषभ और तुला लग्न वालों को चंदन का चूरा लेना है और ये चंदन के चूरे का प्रयोग भी इसी तरह से करना है, सूखे चंदन का चूरा पूरे शरीर पर आपको मलना है, 5 से 7 मिनट तक मलना है। थोड़ा ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन शरीर पर पूरा अच्छे से वो आ जाए, जैसे टेलकम पाउडर लगाते हैं ना उस तरह से ड्राई फॉर्म में ही उसको पूरे शरीर पर आपको फेरना है। और ये काम करना है शुक्रवार को, चंदन के चूरे वाला प्रयोग शुक्रवार को और हल्दी वाला प्रयोग गुरुवार को। जिस समय हल्दी लगाएंगे तो उस वक्त बृहस्पति के मंत्रों का जाप जरूर मन में चलता रहना चाहिए, और जिस समय चंदन का चूरा लगाएंगे उस समय शुक्र मंत्र का जाप रहना चाहिए, मन में उसका जाप मानसिक जाप करते रहना चाहिए। और शुक्र जो मंत्र है इसका जाप भूल कर भी धनु लग्न वाले और मीन लग्न वाले कृपया ना करें, वो बृहस्पति का ही उपाय करें। और बाकी लोग शुक्र का उपाय करें उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सबसे बड़ी चीज़ें आपके ज़िंदगी में आ रही आकस्मिक बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा जब ये प्रयोग आप करेंगे उस वक्त आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो जिस समय आपको मिले आपको लगता है कि अब आज बाहर नहीं जाना है उसी समय आपको करना है, क्योंकि ये सुगंधित लेप लगाकर आप बाहर निकलेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए घर पर ही रहना है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, स्नान वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन आपको इसको करना घर पर ही है। इसके अलावा जो हल्दी वाला प्रयोग है उसको भी करके बाहर नहीं निकलना है और उसको पूरे आपको घर पर ही रहना है, मतलब कुल मिला के। और अच्छा रहेगा अगर उसको 10 से 12 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, अब इतना संभव नहीं है तो कम से कम 1-2 घंटे तो उसको लगाकर छोड़ें और उसके बाद ही आप स्नान करें। स्नान करते समय साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इस तरह से आपको करना है। जो लोग चंदन का चूरा नहीं लगा सकते वो टेलकम
कम पाउडर से ड्राई मसाज करें। ऐसा करने से आपके ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि आपने कल्पना ही नहीं की होगी। तो ये दो चीज़ें ड्राई फॉर्म में ही पूरे शरीर पर रगड़ रगड़ कर मसल लीजिए और इस देखिएगा कितना आपको चमत्कारिक परिणाम मिलता है। जिस समय आप हल्दी लगाएंगे उसके बाद आपको पीले कपड़े धारण करने हैं और कोशिश करें कि किसी पीले कपड़े पर बैठकर ही ये प्रयोग आप करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिस समय आप चंदन का चूरा लगाएंगे उस समय कोशिश करें गुलाबी रंग का या लाल रंग का वस्त्र आपके समक्ष हो, मतलब उस पर आप बैठ जाएं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।